हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए फिर से एक पोंचा डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि सिंपल भी हो और सुंदर भी हो। तो ये देख सकते हो, मैंने दोनों साइड में ये दो दो लाइनें लगाकर और जिग जैग वाली लाइनें डाल दी है। और ये मैंने लिया है 3 इंच पे, इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच पे है। तो अभी इस पर हम जो डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लगाऊँगी 2.5 इंच पे निशान, यहाँ पर, और यहाँ भी 2.5 इंच पे। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब यही है कि हम पूरे पौंचे में 2.5 इंच का गैप रखेंगे जो हम डिज़ाइन बना रहे हो। तो उसमें आप पहले ये निशान लगा लें ताकि आपका जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। आप थोड़ा सा आइडिया से भी बना सकते हैं, पर अगर नाप ले रहे हैं तो वो उससे ज़्यादा अच्छा बैठेगा। तो अब क्या करेंगे, जो इसके सामने निशान लगाएंगे वो 2.5 इंच के गैप से ही लगाएंगे, पर हम इसके बिल्कुल सामने ना लगा के इनके दोनों के बीच के सेंटर में लगाएंगे, यहाँ पर, इस तरह से। इस तरह से गैप इसका भी 2.5 इंच का ही रहेगा, पर इसके सेंटर में लगाएंगे। आप चाहें तो इंची टेप की हेल्प से लगा सकते हैं या सीधा लगा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ निशान लगा लिए हैं। अब क्या करेंगे कि हम इस यहाँ से इस तरह से तिरछी सिलाई डालेंगे, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो ये हमारी सिलाई रहेगी इस तरह से। तो पहले हम पूरे पोंचे में इस तरह से सिलाई डालेंगे। तो चलिए डाल के दे इसकी सिलाई दिखा देती हूँ। इसकी चाल हम बिल्कुल छोटी रखेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आए, इस तरह से। और यहाँ हमें सुई रोक के और अंदर सुई अंदर ही रखनी है ताकि इसकी जो हमें तीखापन लाना है यहाँ पे वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। अगर हम सुई को अंदर नहीं रखेंगे तो वो सही नहीं बैठता। तो इस तरह से हम ये बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। पूरे पोंचे में इसी तरह से डिज़ाइन डालेंगे और उसके बाद हम आगे का डिज़ाइन डालेंगे। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर कर रखा है तो नई वीडियो के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले वो आप तक पहुँचे। और आपको मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ फ़ायदा पक्का होगा, क्योंकि इसमें मैं साथ साथ में टिप्स भी देती रहती हूँ जो नए हैं जो स्टिचिंग के मामले में, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है ये जो भी वीडियो मैं डालती हूँ स्टिचिंग के लिए। तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पर कम्प्लीट हो गया। अब आगे क्या डिज़ाइन बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा यहाँ पे गैप है बीच में, यहाँ पे हम डिज़ाइन डालेंगे इस तरह से। हाफ कर्व बनाना है यहाँ पे, हमें बिल्कुल सेंटर में नहीं डालना था इसको, थोड़ा सा ऊपर रखना है। और उसके बाद में यहाँ पे इस तरह से करेंगे, यहाँ पे हाफ कर्व डालेंगे और इसको सेंटर में नहीं लेना है, थोड़ा सा ऊपर लेना है, बिल्कुल सेंटर में नहीं। और यहाँ पे इस तरह से करके यहाँ एक लाइन डाल देंगे। तो ये आप देख लिए, इस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे। और करके भी बता देती हूँ मैं आपको किस तरह से करेंगे। यहाँ पे ये जो हमें कर्व बनाना है इसमें हल्की सी गोलाई देनी है, इसमें बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो आप ट्राई ज़रूर करें इस तरह से डिज़ाइन बनाने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको इसमें भी कुछ अलग बनाने का सोचा है, कुछ बना रहे हो, तो आप उसकी भी मुझे पिक सेंड कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी हम थोड़ी बहुत चेंजिंग ला सकते हैं और हमारा नया पोंचा बन के तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ गोलाई देते हुए ये कर्व कंप्लीट किया और यहाँ पे इस तरह से हम बना लेंगे। तो आपको सिलाई शायद नहीं दिख रही होगी क्योंकि कलर सेम है, तो थोड़ा सा इसमें समझ में कम आ रहा होगा, इसीलिए मैंने चौक से बना के बताया कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ भी कर्व बना लेंगे। तो पूरे पोंचे में इसी तरह से डिज़ाइन बना लेंगे हम। स्टिचिंग के बारे में अगर आपको कुछ और भी जानना है, कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर ज़रूर करें फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ। स्टिचिंग के जो बिल्कुल सिंपल ट्रिक रहते हैं मैं वही बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल वाले तरीके ही यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आपको इनमें भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके। तो ये देखिए, ये मैंने एक साइड का कंप्लीट कर लिया है। अब दूसरी साइड क्या करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बिल्कुल सिंपल है, अगर आपने यहाँ तक कर लिया तो आगे का आपको डिज़ाइन पूरा अपने आप आने वाला है, ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। तो जो हमने इस साइड में किया था वही सेम हम इसके अपोजिट साइड में करेंगे यहाँ पे।
इस तरह से, और यहाँ पे लाइन डाल देंगे अंदर इस तरह से, और यहाँ हाफ कर्व बना लेंगे, और यहाँ जो ऊपर की साइड किया था वही बिल्कुल अपोजिट करना है उसका सेम। तो ये हम इतना डिजाइन करके भी इसको पूरा रख सकते हैं कि हमारा पोंचा कंप्लीट हो गया, पर मैं यहाँ पूरा इतना नहीं कर रही, दोनों साइड में ये डिजाइन करने के बाद एक एक दोनों साइड में ये डिजाइन और करूँगी। अगर आप चाहें तो इतना भी रख सकते हैं, नहीं तो आप पूरा बना सकते हैं, पर वीडियो पूरी देख लें, आप लास्ट में डिसाइड करें कि आपको कितना डिजाइन रखना है। मैंने इसका इतना डिजाइन भी रखा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ी सी चेंजिंग करके उसमें थोड़ा सा एक एक लाइनें और डाल दी थी। तो ये आप देखिए मैंने दोनों साइड में ये कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या करेंगे, जो हमने हाफ कर्व बनाए थे उसके अंदर हम थोड़ा सा इसमें इस तरह से चेंजिंग कर देंगे, इस तरह से जो मैंने पहले बनाया था उसमें मैंने ये चीज़ नहीं करी थी, तो अब मैं यहाँ ये कर रही हूँ। दोनों साइड में हम यही चीज़ करेंगे यहाँ पे हाफ कर्व के अंदर, इस तरह से डिजाइन बनाएंगे, और हमारा ये जो पोंचा डिजाइन है बिल्कुल भरा भरा भी दिखेगा और अच्छा भी लगेगा। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगनी है एक पोंचो में, 10 मिनट लगेगी भी नहीं, मैंने तो वीडियो बनाई है इसीलिए इसमें शायद 9-10 मिनट कुछ लग गई है, पर इतना टाइम नहीं लगता इसमें, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो आप अगर बना रहे हैं तो इस तरह से डिज़ाइन आप बना सकते हैं। आप चाहें तो इस तरह से ना करके जिगजेग वाली लाइन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक साइड का कंप्लीट हो गया है, अब एक साइड भी, दूसरे साइड भी यही कर लेंगे। ये देखिए धागा सेम है और साथ में ये थोड़ा सा कलर इस तरह का है, तो इसलिए शायद बिल्कुल एकदम साफ नहीं दिख रहा है, पर आपको चौक के जो निशान है उसके उससे आइडिया हो जाएगा कि किस तरह का डिजाइन है। लास्ट में मैं दोबारा भी ये डिजाइन बता दूंगी कि किस तरह से हमने किया है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। इस तरह से आप जिगजैग लाइन डाल सकते हैं या फिर जो मैंने डाली है आप वो भी डाल सकते हैं। ये हमारा पोंचा कंप्लीट हो गया है दोनों साइड से, ये देखिए काफ़ी प्यारा डिजाइन बन के तैयार हुआ है। अब ये देखिए इस साइड में आपको ज़्यादा अच्छे से दिख रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर अलग है, क्योंकि इसका थोड़ा सा कपड़ा कम बचा था तो मैंने नीचे की साइड में थोड़ा सा ये दूसरा लगाया है, सेम कपड़ा नहीं था मेरे पास, तो इस साइड में आपको डिज़ाइन अच्छे से दिख रहा होगा। तो ये डिज़ाइन हमें बिल्कुल आसानी से बनाने में समझ में आ जाए, तो इसीलिए मैं ये दोबारा बता रही हूँ कि किस तरह से हम बनाएंगे। और ये जो बुकरम है मैंने इसमें यूज़ की है, ये दोनों साइड में हम इस तरह से जिगजैग वाली लाइनें डालेंगे, उसके बाद हम डिज़ाइन डालेंगे कि किस तरह से बनाना है। तो वो पहले तो मैंने जो 2.5-2.5 इंच पर निशान लगाया था तो वो हम लाइनें कर लेंगे इस तरह से, वो मैंने थोड़ा सा बस रफली बता रही हूँ, आप पहुँचे पे तो आप निशान लगा के कंप्लीट करें इसको। तो ये हमारा 2.5-2.5 इंच के जो गैप में बनाया था वो बना लिया, और यहाँ फिर हाफ कर्व बना लिया, और इसके बाद यहाँ पे जो बीच में जगह बचती है वहाँ पे ये चीज़ कर लेंगे, यहाँ फिर हाफ कर्व बनाएंगे पूरे पहुँचे में इसी तरह से करके, और इसके बिल्कुल अपोजिट भी यही डिज़ाइन सेम रहेगा। एक साइड का हो गया, दूसरी साइड भी यही चीज़ कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए डिजाइन सच में बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, अगर आप बना रहे हैं तो अच्छे से बनाएं, फिनिशिंग के साथ बनाएं, बिल्कुल आराम से बना लें, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है, डिजाइन भी अच्छा है, तो ट्राई ज़रूर करें। और मेरा डिजाइन कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए, पोंचा डिजाइन नया देखने के लिए, या कटिंग और स्टिचिंग का कुछ भी अगर आपको जानना है देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और आप लोगों ने मेरा सपोर्ट काफ़ी किया है उसके लिए सबको मेरी तरफ से धन्यवाद कि इतना सपोर्ट कर रहे हैं आप मुझे। और इसी तरह से जुड़े रहिए, आगे शेयर भी कीजिए, इसी तरह की नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।